हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सो ये जो व्लॉग है ये है करवा चौथ के दिन का व्लॉग, और इस वक्त सुबह 4:30 और 5 हो रहा था, आई थिंक 4:30-5 बज रही थी और मैं उठ गई थी, क्योंकि हम लोग ना ये सुबह के टाइम पे सिर्फ वही चाय या पानी, जो लोग चाय पीते हैं वो चाय पानी इस तरीके से लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उठ गई थी और मैं नीचे आ रही थी, और यहाँ पे अब ना मैं मम्मी को उठाने के लिए जा रही हूँ उनके रूम में। वैसे जब मैं मम्मी को उठा रही थी तो मम्मी भी ऑलमोस्ट उठी हुई थी, और वो भी मुझे यही कह रही थी कि उठना है सुबह जल्दी, मैं ना ये रात भर नींद ही नहीं आती, और ऐसा हाँ सबके साथ होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। तो बस वो यही कह रही थी मुझसे कि मैं तो वो यही कह रही थी मुझे कि वो 4 बजे उठ गई थी और उनको लगा कि मैं नहीं उठी हूँ। सो यहाँ पे अब मैं ना अपने किचन में आ गई थी, और यहाँ पे अब मैंने पानी पी लिया है, बहुत सारा पानी, 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकते हैं हम लोग उतना इस वक्त यहाँ पे पानी पी लेते हैं, क्योंकि सारा दिन फिर पानी नहीं लेते हम लोग, निर्जला व्रत करते हैं करवा चौथ का, जिसको जैसा बनता है वो वैसा कर लेता है। और ये रही मेरी कॉफ़ी एंड ये सोखे हुए नट्स जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाए थे कि मैं नाइट में सोख कर रही थी। तो वैसे हम ये सारे नट्स डेली लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है, एनर्जेटिक रहते हैं, और आज के दिन हम थोड़े से एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा डाल देते हैं इसमें। तो बस ये लेके ना काफ़ी एनर्जी लगती है, पूरा दिन थोड़ा अच्छा सा निकल जाता है, वैसे तो टाइम टाइम पे ऐसा रहता है, बट हाँ व्रत वाले दिन ये लेते हैं हम लोग, और बस कॉफ़ी ले लेते हैं। चलो अब मैं ना वापस से सोने के लिए जा रही थी, क्योंकि ऐसा सच्चा काम नहीं था, और अगर अभी से जग लो ना पूरा टाइम तो दिन बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है और निकलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि आदत नहीं होती है। तो बस इस वक्त मैं अगेन फिर से सोने के लिए जा रही थी, और यहाँ पे मैंने नहा लिया था अराउंड 9:10 हो गया होगा आई थिंक, मुझे अच्छे से टाइम याद नहीं है। और अब बस मैं यहाँ पे ना अब रेडी हो रही थी, ये सिंपल सा मैंने एक सूट वेयर किया था जो काफ़ी सुंदर है, सिंपल नहीं है बट अच्छा सा पूरा रेड है, तो अच्छा लग रहा था मुझे इसमें रेड, आज के दिन थोड़ा मैंने कहा रेड लेते हैं कुछ। तो ये काफ़ी 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 पुराना वाला सूट है मेरा, तो बस मैं यहाँ पे एक सिंपल सी रेडी हुई थी क्योंकि घर में ही रहना था कहीं नहीं, और काम करने थे मुझे घर के, तो बस मैं यहाँ पे अपना अच्छे से मैं रेडी हो रही थी, अपनी गोल्ड की ज्वेलरी मैंने वेयर की थी यहाँ पे, और बस। और अब मैं यहाँ पे भगवान की पूजा करने के लिए आ गई थी मंदिर में, और अभी यहाँ पे कान्हा भी आएगा, तो कान्हा और मैंने दोनों ने मिलकर के पूजा करी, उसकी बहुत अच्छी आदत है, उसे अच्छा लगता है पूजा करना, तो वो अपनी दादी के साथ भी करता है, मेरे साथ भी करता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, और मुझे अच्छा लगता है कि उसका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। एक्चुअली अभी छोटे हैं बच्चे हैं तो उनका सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो बस अब मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गई थी। आप ये देखिए उसने भी ना यहाँ पे अब भगवान को सब करना है, उसे भी सब करना है, सारी चीज़ें करनी है जो मैं कर रही हूँ, तो वो भी यहाँ पे जल चढ़ा रहा है भगवान को। पूजा करने के बाद ना फिर मैं वापस आ गई थी नीचे किचन में, और अब मैं यहाँ पे ना सबके लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी, मतलब कान्हा है और पापा हैं, कान्हा के पापा हैं हम लोग, मतलब इन सब इन तीनों के लिए, तो
उसके बाद में हमारा डिसाइड हुआ था कि लंच इन लोग का भी लेट ही बन रहा था, तो हमने सोचा था कि अब मैं शाम के लिए भी सब बना लूंगी। तो मैंने शाम का और अभी लंच का, मतलब डिनर और लंच में एक साथ ही प्रिपेयर करी थी, क्योंकि शाम को ना बहुत ज्यादा फिर हौश पौश होता है कि अगर डिनर भी बनाना है, फिर तैयार भी होना है, पूजा की भी तैयारी करनी होती है, तो बिल्कुल भी ना सॉरी बिल्कुल भी ना टाइम नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है सब मैनेज करने में। तो मैं एक साथ ही बना रही थी और सबने घर में, मम्मी ने सबने मुझे यही कहा कि तुम एक साथ ही बना लो। अब यहाँ ना पूजा की तैयारी हो गई है, यहाँ पे मैं यही दिखा रही हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे ना भगवान का भोग लगा है। हम लोग में ना खाजे बनते हैं, मैदा की छोटी पूरी जैसी होती है, और मीठे वाले गुलगुले बोलते हैं, कुछ लोग पुए भी बोलते हैं, हम लोग पुए भी बोलते हैं, गुलगुले भी बोलते हैं, तो ये सब। और ये यहाँ पे ना ये सारा कुछ हमने नीचे ही एडजस्ट किया था, वैसे हम जनरली सारी पूजा ऊपर ही मतलब मंदिर में करते हैं, बट मम्मी के पैर में फ्रैक्चर है तो वो जा नहीं सकते, इसलिए सारा कुछ हम ना नीचे ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे, मैं और यहाँ पे हमने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी, और ऑलमोस्ट अब हमारी पूजा हो भी गई थी यहाँ पे। और तो कुछ इस तरीके से हमने हमारे करवा चौथ की पूजा करी। शाम को मैंने ये साड़ी पहनी थी, और ये साड़ी के साथ मैं एक वीडियो ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया है, मेकअप वीडियो, सो आप उसको जाके जरूर देखिए। बहुत ही प्रेटी और बहुत लाइट वेट साड़ी थी, तो मैंने सोचा अब यही पहन लेते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली पूजा भी कर रहे थे हम, और मेरे हस्बैंड भी हमसे कुछ फोटो क्लिक करवाने के लिए कह रहे थे। सो फाइनली चांद आ गया था, और अब मैं चांद की पूजा करने के लिए छत पे आ गई थी। एक्चुअली हम छत मतलब यहाँ पे मैं थर्ड फ्लोर पे आई थी, उसके बाद यहाँ पे आके हमें दिखा, हमारे आसपास में तो कई लोगों को दिखा नहीं था, बट बहुत ऊपर, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो मैं हेल्प करता हूँ, और यहाँ पे आके कर लो ताकि टाइम से तुम अपना व्रत खोल पाओ और खाना खा लेना फिर। सो बस अब मैं यहाँ पे चांद की पूजा कर रही थी, और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे छोटे से व्लॉग अच्छे लगे, कि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाती हूँ, कि बहुत सारी क्लिप्स मैं नहीं ले पाती हूँ। सो आई होप आपको ये छोटे छोटे व्लॉग मेरी लाइफ के अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने भी व्रत किया है उन सब कि हर मनोकामना पूरी करे ऊपर भगवान। सो ये देखिए चांद, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत चांद था उस दिन का। तो ये अगर किसी को उस दिन अगर नहीं दिखा है, जैसे कई कई एरिया में बारिश हो रही थी, तो आई होप अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। सो या बाय, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।